आदाब नाज़रीन, मैं अखिल खान और आप देख रहे हैं अंगारे न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। मेरा नाम गुलशाद बेगम है और मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद मोइज़ है और उन्हों 2012 में मेरी शादी हो गई थी और 2016 में कुला ले ली मैं उनके ड्रिंक के तरफ से। ड्रिंक्स पी के ज़्यादा बहुत परेशान कर रहे थे, रोड़े रोड़ भगा रहे थे, बात करे कि पुलिस नाका हो जा रहा था, इसलिए मैं अपने तरफ से खुला ले ली। मैं उन्हों बहुत टॉर्चर कर रहे, अपने आप को फांसी कभी ले ले रहे, कभी अपने आप को कुछ मार ले रहे, फिर मेरे को ऑपरेशन के ब्लेटा लेके फिर रूम बोल के फ़ोन आ में रिकॉर्डिंग आ कर रहे, नहीं तो तेरा ऐसा हालत एसिड डाल तू मुँह पे बोल के बोल रहे। आप जो भी है आपके पास में है अब उससे ज़्यादा तो मैं चंद्रान गुट्टा पीएस में दी थी। चंद्रान गुट्टे के पीएस वाले सर बोले कि नहीं, बोले इन्हों ड्रिंक करे हुए हैं, ड्रिंक करने के बाद में हमारे वर्दी पे आ जाती बात, उसके बाद में हम लोग एक्शन लेते। बोले कोई एक्शन नहीं लिए, कुछ नहीं लिए, मैं अभी तक भी रोड़े रोड़ भाग लेते फिर रही हूँ आदमी के डर से। मेरे को बहुत डर हो जा रहा, मेरे बाद में कोई नहीं है, मेरे बच्चों का सहारा, मेरे को 6 बच्चे हैं, मार डालने की धमकी दे रहे हर टाइम पे मेरे को, वही फ़ोनों में वही बोल रहे कि तेको ऐसा कर डाल तू, ते ऐसे गंदे गंदे लफ्ज़ों में बोल रहे, छिनाल और रान, मतलब बहुत अलग अलग बातें, बहुत गलीज बातें कर रहे हो। मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा, या तो आप इंसाफ कराइए मेरा, नहीं तो यार नहीं। खुला होने के बाद में भी ड्रिंक करके मेरे घर पे बाउंड्री थी छोटी, 4 फुट की बाउंड्री थी, वो बाउंड्री में से कूद के आके कभी अपने आप को मार ले रहे, कभी हम लोगों को रोड़े रोड़ भगा दे रहे। रात रात हम लोग बाहर 6-6 बच्चों को लेके पीएस के बाहर बैठना पड़ रहा था। इससे पहले भी मैं मीडिया में डाली थी बात मेरी, तो तब भी कोई भी बोले नहीं खवातीन पियो शहर की तरफ से खवातीन परेशान बोल के, खाली इतना ही बोल के डाले थे बस। ये मेरा एक खुला नामा है, ये 2012 का ये, और उसके बाद में ये मैं महिला मंडल को बहुत बार गई मैं, इसी की ऐसे तकलीफ हो गई। पर ये महीने में भी गई थी मैं, तो ये महीने में भी वो बोले कि उनके बाबा को बुला के बात करेंगे बोल के, उसके बाद में ये एफआईआर पेपर मेरे को दिए। सो इससे इन्होंने एक सर थे जब दिए थे मेरे को, मैं बहुत बार में 12-13 साल से पीएस ना के फिर रही हूँ, मैं अब नहीं फिर सकती, मैं हार गई ज़िंदगी से। फ्रेंड है ये, हस्बैंड थे, अब नहीं है मेरे हस्बैंड, मेरे इनका डिवोर्स हो गया, उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे को जान को धोखा है बोल के मेरे को ऑपरेशन के ब्लेटा ये वो लेके फिर रहे, उन्होंने मेरे को मार डाल तू, एसिड डाल दे तू, ऐसे गंदे गंदे लफ्ज़ों में बातें कर रहे। और मेरे को ये गुजारिश है मेरी के कमिश्नर साहब से कि मेरी कोई हेल्प करिए कि आदमी से ऐसी छुटकारा, मेरे को ऐसे ज़िंदगी नहीं, मेरे बच्चों के साथ में मैं खुश रह सकती हूँ, मैं ऐसा खुश रह सकती हूँ मेरे को ऐसे आदमी से ज़रूरत नहीं है, मेरे को जो मेरे को मारना तोड़ना रोड़ों पे भगाना, मेरे को 1-2 बच्चे नहीं है, मेरे को 6 बच्चे, मैं भीख मांग ले के जी ले रही हूँ या काम करके कुछ भी कर ले के जी ले रही हूँ, मगर जीना उसके साथ तो जीना नहीं है, मगर ज़बरदस्ती के उन्हें फ़ोन आ करके मेरे को गंदे गंदे गालियाँ दे रहे और ये ऐसा तकलीफा दे रहे, जो भी है ये 4 दिन हो गया फ़ोन करके ईद के बाद में बोल रहे कि मैं तू ऐसी है वैसी है, मेरे अम्मा को सलाम नहीं करे। मैं बोली डिवोर्स होने के बाद में मैं कहीं का सलाम करूँ आपके मम्मी पापा को, मैं नहीं करती हूँ, आप लोगों को जो बात करना है और दूसरे नंबरों से फ़ोन नहीं करना, आपको जो भी बात करना है तो आपके पापा से करो बोल के बोली मैं। और उसके बाद में आप ज़रा जो भी है आप मेरे कमिश्नर साहब से गुंजाइश है मेरी है कि आप जो भी है ये आदमी को सज़ा दीजिए बस, और कुछ भी नहीं।